हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई वुड से होला एवरीवन. सो टुडे वी आर मेकिंग एवरीबॉडीज फेवरेट एंड डिलीशियस वेज टाकोस. टाकोस यू हैव हर्ड अबाउट इट, मेक्सिकन डिश है हमारी और उसमें हम लोग वेजिटेरियन वर्जन बनाने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेज टाकोस फर्स्ट. सो टुडे वी आर मेकिंग सॉफ्ट शेल टाकोस. देखिए, टाकोस आपने जो यूजुअली इंडिया में जितना सुना होगा वो होगी क्रिस्पी टाको. जो आप देखेंगे ऐसे कड़क होते हैं, जैसे पापड़ होता है हमारा, बस थोड़ा यू शेप में जिसमें हम फिलिंग कर पाए. बट टुडे वी मेकिंग ऑथेंटिक सॉफ्ट शेल टाकोस जो होते हैं, मतलब जो तौरतिया से बनते हैं, तो वो हम लोग बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग उसकी फिलिंग बना लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पैन एंड एडिंग सम ऑलिव ऑयल. Along with some butter, Amul butter, and Mexican cuisine as you guys have guessed already. मैंने इतने recipes दिखा दिए हैं तो you have guessed कि ये मेरा one of my favorite cuisines है, क्योंकि ये बहुत ही flavorful है and बहुत fresh है. तो मुझे ये बहुत पसंद है after Indian cuisine of course. So ये हम लोग बना रहे हैं हमारा tacos, जो बहुत फेमस है लेकिन घर पे यूजुअली कोई बनाता नहीं है बिकॉज इट्स ट्रिकी. सो लेट्स ऐड क्यूमिन सीड्स आफ्टर दैट. तो मैंने बटर डाल लिया है और उसके साथ ऑलिव ऑयल. अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से होने देंगे. और अब हम लोग बना रहे हैं इसकी फिलिंग बना रहे हैं जो हमारे ब्लैक बीन से बनाई हुई है. तो देखिए, ये सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास ब्लैक बीन्स है जिसको मैंने अच्छे से उबाल के रख लिया है और इसके साथ हम लोग अब ये फिलिंग बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं इधर, ये आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे अनियंस डाल देती हूँ. और इसको हम लोग अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये हो ना जाए. और इसको थोड़ा सा और डालूंगी मैं. और बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमारी सालसा के लिए रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमको ऑफकोर्स सालसा तो बनाना ही है. उस दिन भी मैंने आपको सालसा की रेसिपी बनाई थी, बताई थी, जब मैंने हैलपीनो एंड सालसा टोस्ट बनाया था लास्ट वीक. तो उस टाइम पे भी मैंने पीको दे गायो यानी सालसा की रेसिपी बताई थी. तो ये मैंने थोड़े से टमाटर भी डालने हैं इसमें अभी. तो मैंने चॉप टमेटोज लिए हैं, वो डालेंगे हम लोग इसमें थोड़े से, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसके बाद. थोड़ा सा देखिए, मेरे पास ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज का कॉम्बिनेशन है. तो ऑफकोर्स मेक्सिको है तो चिलीज तो अच्छे खासे डालेंगे हम लोग, तीखे खाना है हमको. तो ये भी डालेंगे. और ये देखिए, ये मेरे पास टमेटो प्यूरी है, वो भी डालेंगे थोड़ी सी. तो ये टमाटर को मैंने उबाल के बॉईल करके पील करके उसकी प्यूरी बना ली है. सो वो भी हम लोग डालेंगे. मैंने अभी थोड़ी कम डाली है और धीरे धीरे हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा. और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये देखिए, ये मेरे पास ब्लैक बीन्स है जिसे हम लोग अच्छे से, मैंने उसको उबाल के रख लिया है. और ये अब हम इसमें डालेंगे. और अगर आप लोग को पता नहीं है तो जितना हम लोग इंडिया में राजमा या फिर किडनी बीन्स या फिर ये वाले बीन्स खाते हैं ब्लैक बीन्स, उतना ही मेक्सिको में इसको पसंद किया जाता है. एंड दे लव यूजिंग किडनी बीन्स और नॉर्मल ब्लैक बीन्स. तो उनके हर रेसिपी में होता ही है. सो ऑफकोर्स हम लोग जो फिलिंग बनाएंगे वो हमारी इसके साथ ही होगी. लेट्स एड सम सॉल्ट हियर. और मैंने अभी तक कुछ बाकी चीजें नहीं डाली है. तो लेट्स ऐड नाउ. और ये देखिए, जो राजमा जिसमें मैंने भिगोए थे, जिसमें किया था, उसका भी थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ऑफकोर्स इट्स न्यूट्रिशियस.
एंड अब हम लोग इसमें चीज़ें डालना स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल बिट ऑफ टर्मेरिक, हल्दी पाउडर, आई हैव कोरिएंडर एंड जीरा पाउडर मिक्स, कश्मीरी रेड चिली, और यू कैन ऑल्सो ऐड कायन पेपर फॉर द फ्लेवर एज वेल एज द कलर। देखिए अब अच्छे से इसको हम लोग आराम से मिक्स कर लेंगे एंड इसका जो पानी है वो थोड़ा जाने देंगे हम लोग, बहुत एकदम इसको वाटर ही नहीं रखेंगे। वाओ देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, एकदम फ्रेश हमारा। कैन ऑल्सो ऐड अ बिट मोर कलर के लिए, कश्मीरी वाली है ये। अब देखिए इसमें मेक्सिको और स्पेन में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज है, जो हम लोग आज तौरतिया जो बोलते हैं, जो हम लोग टाकोस के लिए बनाने वाले हैं, वो भी स्पेन में से ही ओरिजिनेट हुआ था फर्स्टली, तो वहाँ से ही उन लोगों ने तौरतिया का इंस्पिरेशन लेके फिर टाकोस बना लिया, जो हमारी रोटियाँ होती है। देखिए अब मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, देखिए ये मैंने क्या किया है, तौरतिया बनाया है छोटे छोटे, देखिए एकदम मिनिएचर साइज के। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, सबसे पहले मेक्सिकन क्यूजीन का एक इसेंशियल पार्ट होता है कॉर्न, तो कॉर्न का जो आटा होता है, नॉट कॉर्न फ्लावर, कॉर्न का जो आटा होता है, मेज फ्लावर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके साथ मैंने मैदा लिया है, तो मैदा डाला है और कॉर्न का जो आटा होता है वो डाला है, उसका मिक्सचर बना के हम लोगों ने ये रोटी बनानी है। एंड इम्पॉर्टेंट कि कॉर्न का आटा डालना इम्पॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा फिर मैदा डाल के हम लोगों ने आटा गूंद लिया है। एंड उसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी तौरतिया बना ली है, एकदम परफेक्ट है। तो उसके साथ हम लोग बनाने वाले हैं, हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, सो लेट्स स्विच ऑफ इट। और ये मेरे पास ओरिगानो है, देखिए ओरिगानो डाल रही हूँ मैं इसमें फ्रेश, लेट्स मिक्स इट एंड कीप दिस असाइड, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम लोग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर पीको दे गायो, ऑल्सो नोन एज आवर साल्सा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीको दे गायो में बहुत सारा टमाटर होता है, फ्रेश टमाटर हम लोगों ने वो लेना है, फ्रेश फ्रेश टमाटो, एंड जितना आप लेंगे उतना अच्छा है। और उसके साथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ अनियन, चॉप्ड अनियन लिया है मैंने अच्छे से, हम लोगों ने वो लेना है। आई हैव अमेजिंग चिलीज, अगेन यहाँ पे चिलीज डालेंगे हम लोग। एंड लेट्स स्क्वीज सम लेमन, और ये देखिए सालसा बहुत फ्रेश वाला बना रही हूँ मैं, फ्रेश वाला सालसा है, देखिए वाओ। लेमन जूस में कंज्यूस ही मत कीजिए क्योंकि बहुत उससे अच्छा फ्लेवर आता है। थैंक यू सर। एंड वो डालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम लोग, बहुत बेसिक सालसा होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, नॉट टू मच ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड अ बिट ऑफ ओरिगानो, विल ऐड सिलांत्रो हियर हमारा, ये देखिए यहाँ पे फ्रेश। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, कितना फ्रेश और इजी हमारा सालसा यानी पीको दे गायो।
ये मैंने जो तौलिया बनाया है के साथ इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया है, बट इफ़ यू वांट यू कैन अगेन कुक इट थोड़ा सा तवे पे या फिर जैसे आपको लगे। लेकिन देखिए सॉफ्ट है ये जो हमको बनाने हैं टाकोस, वो सॉफ्ट शेल है तो इसलिए हमको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से हमको बनाना है इसका शेप, सो वील मेक इट। और अगर आपको हार्ड शेल टाकोस बनाने हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, तल सकते हैं अच्छे से, डीप फ्राई कर सकते हैं, बट टुडे वी एम मेकिंग सॉफ्ट शेल टाकोस तो इसलिए। और इसके साथ ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा अमूल का दही के साथ मैंने ये किया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा हमारा लेमन जूस डालूंगी तो ये हमारा सार क्रीम हो जाएगा, बस दो तीन ड्रॉप, क्योंकि हमारा अमूल का मस्ती दही ऑलरेडी एकदम मस्त खट्टा होता है। तो ये देखिए हमारा सार क्रीम भी रेडी है, हमारा सालसा रेडी है, हमारी फिलिंग भी रेडी है। तो लेट्स असेंबल नाउ। ये हम लोगों ने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, ये हमारा फर्स्ट टॉर्टिया, और इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ी फिलिंग डाल देंगे। सालसा अभी जो बनाया मैंने पीको दे गायो वो भी डालेंगे इसमें। और हमारा फ्रेश क्रीम थोड़ा सा एंड ऑफ कोर्स अमूल का चीज भी डालेंगे हम लोग। तो ये भी चीज है मेरे पास, वाओ। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड चीज सॉस इन इट व्हिच I will add in the next taco. तो ये इसको ऐसे कर लेंगे और इसको मैं टूथपिक से इस तरीके से रख दूंगी, ठीक है। सो क्यूट एंड सो प्रिटी, सो एस्थेटिक, और हमारे घर पे होममेड ऑथेंटिक मेक्सिकन सॉफ्ट शेल टाकोस। हम लोग एक एक ये लगा लेंगे सो दैट ये और सुंदर लगे। एंड लेट्स मेक अनदर टाको नाउ। देखिए आई हैव टेकन अनदर टॉर्टिया हियर, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक और टाको बनाना है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें फिलिंग और ऐड किया है, और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हमारा सालसा। सालसा मुझे फ्रेश बहुत पसंद है ऑनेस्टली, तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, आपके ऊपर है, मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दी हूँ। दिखाते हैं मेरा जो है मुझे बहुत पसंद है इंटरनेशनल क्यूजिन दिखाना, और मुझे जो मैक्सिकन रेसिपीज हो या फिर बाकी भी रेसिपीज हो मुझे दिखाना बहुत पसंद है, जो कि ट्रिकी है, हम लोग घर पे नहीं बनाते हैं, नॉर्मल चीज़ें तो ठीक है। सो ये आई होप आप लोग को एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। नाउ आई एम एडिंग अमूल का चीज सॉस, वो भी हैलपीनो वाला, सो दैट एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑथेंटिक मैक्सिकन अगेन। एंड ऑफकोर्स यू कैन ऐड चीज ऑल्सो इन इट, थोड़ा सा चीज़ मैं फिर भी डाल दूंगी, बिकॉज ऑफकोर्स चीज़ के बिना अधूरा है ये सब कुछ। मेक्सिकन में भी चीज़ अच्छे से खाते हैं, तो ये थोड़ा सा एंड लेट्स नाउ। वाओ ये देखिए ओवरलोड हो गया है हमारा, सो ये वाला इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। एंड इसको मैं
ये देखिए हमारा ओवरलोड हो गया है, लेकिन आई होप ये मस्त अच्छे से, आप इसको सॉफ्ट शेल्ड है तो आपको इसको तुरंत ही खाना पड़ेगा। उदय जी सिंह, हेलो शेफ। हेलो उदय जी, अच्छे से हम लोग इसको प्रेजेंट कर लेंगे आराम से। सो ये हम लोग, एंड मेक श्योर आप ये वाले जो टाकोज है इसको जल्दी जल्दी खाएं, बिकॉज ये सॉफ्ट शेल है, हार्ड शेल नहीं है, तो कड़क नहीं रखेंगे, ये कड़क नहीं रहेंगे, इसको हम लोग फटाफट खा लेंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा। एंड नो वरीज, अगर ये ओपन हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ऐसे ही उठा के खा लेना ताकि ये और अच्छा लगे। सो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको और कौन सी नई रेसिपी देखनी है। टुडे आई मेड वेजिटेरियन मैक्सिकन टाकोस। सो और आपको डेजर्ट्स देखने हैं, कौन सी चीज़ें देखनी है, प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू गाइज वेरी सून, बाय, टेक केयर।